अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न टू लीड। आज हमने डिस्कस करनी है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, कि किस तरह से इंटरनेशनल सोसाइटी इवॉल्व हुई और वो आज जो हम लोगों को इंटरनेशनल सोसाइटी नज़र आती है उस फॉर्म में कैसे बनी। तो इसके लिए हम लोग स्टडी करेंगे, जो भी पढ़ेंगे फिर बाद में आपको बता दूंगी कि कौन सी बुक से आप इसको स्टडी कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छा लिखा हुआ है। और एक स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको ये बताऊंगी, तो बस आपने वो स्टोरी सुननी है और उसके बाद जब आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी हम लोगों को इवॉल्व होती हुई नज़र आती है अगर हम लोग पास्ट में देखें। अच्छा, ये बताने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूँ कि देखिए, हम लोग जब भी इंटरनेशनल रिलेशन में पास्ट को स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग ज़्यादातर यूरोप की बात करते हैं। अब हम यूरोप की बात क्यों करते हैं और बाकी कॉन्टिनेंट्स भी तो थे, हम उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? तो उसके पीछे रीजन ये है कि देखें, यूरोप जब जितना भी पास्ट में सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स था या सेंटर ऑफ इंटरेक्शंस था, वो यूरोप ही था। अब इसकी रीज़न क्या है कि अभी हम लोग देखेंगे भी कि हम लोग बिफोर क्राइस्ट एरा की भी बात करेंगे कि वहाँ से इंटरनेशनल सोसाइटी इवॉल्व होनी शुरू हुई या फिर उससे भी बहुत पहले से। तो जहाँ तक अमेरिकास की बात है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, वो तो 1492 तक डिस्कवर ही नहीं हुए हुए थे। और जहाँ तक एशिया और अफ्रीका की बात है, तो अभी हम लोग जब एंशियंट वर्ल्ड्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग चाइना और इंडिया को डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे किस तरह से इंटरनेशनल सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती थी। मतलब कि हम लोग एशिया को डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक अफ्रीका की बात है, तो अफ्रीका की तो बहुत सारी स्टेट्स थी ही कॉलोनीज़, यूरोपियन स्टेट्स की कॉलोनीज़। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे, वर्ल्ड वॉर वन का भी जैसे सेंटर था वो यूरोप ही था। फिर हम लोगों ने जब हम नेशन स्टेट सिस्टम पढ़ रहे थे या उससे पहले हम लोग एज अ सब्जेक्ट मैटर पढ़ रहे थे कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस इवॉल्व हुआ, तो उसमें भी हम लोग यही देख रहे थे कि यूरोप के अंदर 30 ईयर्स वॉर और यूरोप के अंदर यूरोपियन जितने भी नेपोलियन वॉर्स थी या फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स थी, वो उन सब का सेंटर था ही यूरोप, इसलिए ज़्यादा बात यूरोप की हो रही होती है। ठीक है, तो अब इंटरनेशनल सोसाइटी के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को पास्ट में दो डिफरेंट एक्सट्रीम्स नज़र आते हैं। अब एक्सट्रीम्स कैसे नज़र आते हैं, देखें, हम लोगों को एक तरफ इस तरह की इंटरनेशनल सोसाइटीज़ नज़र आती हैं जो कि देवर ऑल अगेंस्ट ऑल। अब ऑल अगेंस्ट ऑल का क्या मतलब हुआ? ऑल अगेंस्ट ऑल का ये मतलब हुआ कि उनमें अगर इंटरेक्शन थी ही तो वो इन द फॉर्म ऑफ वॉर्स थी, उसके अलावा उनमें आपस में इंटरेक्शन होती नहीं थी। ऐसी सोसाइटीज़ भी हम लोगों को पास में नज़र आती हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को ऐसी सोसाइटीज़ भी नज़र आती हैं जो कि आपस में इंटरेक्शन करती थी लेकिन इंडिपेंडेंट भी थी। और इस तरह से एग्जांपल दी जाती है कि वो इस तरह से इंडिपेंडेंट थी जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट्स आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी। अब जाहिर सी बात है, वो स्टेट्स एक साथ रहती हैं, वो एक दूसरे से भले कुछ फीचर्स में अलग हों लेकिन फोर्स वो एक दूसरे पर डिपेंड तो करती हैं। तो एक तरफ अगर हम लोग कहें ऑल अगेंस्ट ऑल, और दूसरी तरफ अगर हम लोग कहें कि इस हद तक इंडिपेंडेंट जिस हद तक यूएसए की स्टेट्स हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोगों को दो एक्सट्रीम्स नज़र आते हैं। एक तरफ हम लोग को नज़र आता है कि सोसाइटीज़ एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा वॉर में इन्वॉल्व थी, दूसरी तरफ हम लोग को ये नज़र आता है कि सोसाइटीज़ में आपस में इंटरेक्शन था, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी कर रही थी। तो अब इस सेंस में अगर हम लोग देखें तो हम लोग को इन दो एक्सट्रीम्स के दरम्यान में कुछ और डिफरेंट तरह की सोसाइटीज़ भी नज़र आती हैं। हम लोगों को एम्पायर्स नज़र आती हैं, पास्ट में एम्पायर्स थी और वो एम्पायर्स आपस में फॉर्मली या इनफॉर्मली, उनके अंदर जो स्टेट्स थी वो आपस में लूजली या टाइटली हेल्ड थी, मतलब वो आपस में इंटरेक्ट किया करती थी। और दूसरी तरफ हम लोगों को नज़र आते हैं और भी डिफरेंट तरह के इंटरनेशनल सिस्टम्स जो कि फॉर्मल भी थे, इनफॉर्मल भी थे, और वो प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेंटी और नॉन इंटरवेंशन जो हम लोगों ने देखा है पहले भी, इस प्रिंसिपल के ऊपर ऑपरेट करते थे। तो अब जब हम लोग ये देखें कि अब जितनी भी हमने ये सोसाइटीज़ हम देखेंगे, तो इनमें इंटरनेशनल सोसाइटी हम कैसे कह सकते हैं कि ये एज एन इंटरनेशनल सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी। तो ये एज एन इंटरनेशनल सोसाइटी इस तरह से एग्जिस्ट करती थी कि इनमें इंटरनेशनल सोसाइटी के एलिमेंट्स नज़र आते थे। अब वो एलिमेंट्स कहाँ से है? इंटरनेशनल सोसाइटी के एवोल्यूशन के बारे में आप जब भी पढ़ेंगे तो इंग्लिश स्कूल ऑफ थॉट का आप ज़रूर पढ़ेंगे। अब इंग्लिश स्कूल ऑफ थॉट के बहुत सारे स्कॉलर्स थे, जिनमें एक थे
हेडले बुल, उसके अलावा मार्क एनले का नाम आप सुनेंगे। तो हेडले बुल ने इंटरनेशनल सोसाइटी को डिफाइन किया है। वो डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं कि वो डेफिनेशन क्या थी, तो उसके बाद हम देखेंगे कि जितनी भी हम लोग एंशियंट सोसाइटीज डिस्कस कर रहे हैं, क्या हमें उनमें वो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं या नहीं, और क्या हम लोगों को आज की सोसाइटी में वो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। उस इंटरनेशनल सोसाइटी के वो एलिमेंट्स जो कि हेडले बुल ने बताए हुए हैं, उनकी बेस के ऊपर फिर हम कैरेक्टराइज करते हैं कि हम लोगों को कुछ हद तक इंटरनेशनल सोसाइटी के एलिमेंट्स उन एंशियंट वर्ल्ड्स में नजर आते थे, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, इंटरनेशनल सोसाइटी तब से एग्जिस्ट कर रही थी जब से हम लोग पढ़ रहे हैं, आइदर इट वॉज बिफोर क्राइस्ट एरा या फिर उससे पहले का भी जितना दौर था। तो हेडले बुल की दी हुई इंटरनेशनल सोसाइटी की जो डेफिनेशन है वो मैं पढ़ लेती हूँ, फिर हम देखते हैं कि इसमें इंटरनेशनल सोसाइटी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि मेंशन्ड हैं, वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हेडले बुल ने इंटरनेशनल सोसाइटी को ऐसे डिफाइन किया था कि अ सोसाइटी ऑफ स्टेट्स और इंटरनेशनल सोसाइटी एग्जिस्ट व्हेन अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स कॉन्शियस ऑफ सर्टन कॉमन इंटरेस्ट्स एंड वैल्यूज फॉर्म अ सोसाइटी इन द सेंस दैट दे कंसीव देमसेल्व्स टू बी बाउंड बाय अ कॉमन सेट ऑफ रूल्स इन देयर रिलेशंस विद वन अनदर एंड शेयर इन द वर्किंग ऑफ कॉमन इंस्टीट्यूशंस। तो अगर हम लोग इस डेफिनेशन को देखें तो इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर जितनी भी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं उन सब के कुछ कॉमन रूल्स होंगे, कुछ कॉमन इंटरेस्ट्स और वैल्यूज होंगी, और वो कुछ कॉमन इंस्टीट्यूशंस शेयर कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनमें आपस में इंटरेक्शन होगी। तो इस तरह से इंटरनेशनल सोसाइटी जहां भी हम देखेंगे, वो जहां भी एग्जिस्ट कर रही होगी, चाहे वो प्रिमिटिव भी थी, पास्ट में एंशियंट वर्ल्ड्स में एग्जिस्ट कर रही थी, तो उनमें कहीं ना कहीं हम लोगों को ये इंटरेक्शन देखना होगा कि उनमें इंटरेक्शन नजर आता था। तो देख लेते हैं एंशियंट वर्ल्ड्स की जहां तक बात है और अभी कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सोसाइटी की जहां तक बात है। तो देखें, कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सोसाइटी जो आज की इंटरनेशनल सोसाइटी है उसमें हम लोगों को ये सब एलिमेंट्स नजर आते हैं, और जहां तक हम लोग एंशियंट वर्ल्ड्स की बात करें तो एंशियंट वर्ल्ड्स में तो ऐसा नहीं होता था। एंशियंट वर्ल्ड्स में एक कोई स्टेट थी, वो खुद को सुपीरियर समझा करती थी, बाकी स्टेट्स को वो इंफीरियर समझा करती थी। तो सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी वाली बात थी, वो सॉवरन स्टेट्स वाली और स्टेट्स की इक्वालिटी वाली बात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उनमें इंटरेक्शन होता था। अब साथ ही साथ अब सॉवरनिटी क्यों भी नहीं थी कि ट्रांसनेशनल एंटिटीज या फिर सब नेशनल एंटिटीज जो कि एक स्टेट के अंदर ही एक्ट करती हैं या फिर अक्रॉस द स्टेट बॉर्डर्स एक्ट कर रही होती हैं, उनको बहुत सारी ऐसी एंटिटीज थी जिनको कुछ एंटाइटलमेंट्स चाहिए थी, कुछ ऐसी सब नेशनल या फिर ट्रांसनेशनल एंटिटीज थी जिनकी अपनी मिलिट्री हुआ करती थी। तो इसलिए उस तरह से आज की तरह की इंटरनेशनल सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन फिर भी हम लोग इनके लिए इंटरनेशनल सोसाइटी का वर्ड इसलिए यूज कर सकते हैं कि इनमें इंटरेक्शन हुआ करता था और इनमें कुछ शेयर्ड वैल्यूज जरूर एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, अब साथ ही साथ अब इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप में देखें ना, तो जब इंसान देवर हंटर गैदरर्स, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सेटलमेंट्स में सेटल होना शुरू हुए, तो उस टाइम पर क्या हुआ, उस टाइम पर ये हुआ कि अब जब सेटलमेंट बनी तो एक तो सेटलमेंट को डिफाइन करना था, फिर उस सेटलमेंट को दूसरों के अगेंस्ट डिफेंड करना था, और तीसरी चीज दूसरे ना चाहते हुए भी दूसरों ने उस सेटलमेंट को रिकग्नाइज करना था कि जी ये सेटलमेंट आपकी है। तो यहां से ही हम कहते हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी की एग्जिस्टेंस स्टार्ट हो गई थी। अब क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता फिर इनकी इकोनॉमिक कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होना शुरू हुई, तो इनमें ट्रेड भी बढ़ना शुरू हो गया। जब ट्रेड बढ़ना शुरू हुआ तो इनका ये इंटरेक्शन थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो गया। तो इंटरनेशनल सोसाइटी की एवोल्यूशन हम क्या कह सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई, जैसे ही इंसान ने, जैसे हम लोगों ने सब्जेक्ट की एवोल्यूशन जब पढ़ी थी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, तब भी हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि जैसे ही इंसान इंडिविजुअल रहता था, फिर फैमिलीज बना के क्लैंस में रहना शुरू हो गया, फिर सेटलमेंट्स बना ली, तो वहां से ही इंटरनेशनल सोसाइटी इवॉल्व होना शुरू हो गई। क्योंकि हम देखते हैं कि जब लोगों ने उठ के सेटलमेंट्स में रहना शुरू किया तो उनको उन सेटलमेंट्स को डिफाइन करना पड़ा, डिफेंड करना पड़ा, और दूसरों को उन सेटलमेंट्स को मानना पड़ा कि ये सेटलमेंट आपकी है, रिकॉग्नाइज करना पड़ा। तो इंटरनेशनल सोसाइटी के एलिमेंट्स हम लोगों को वहीं से नजर आने शुरू हो गए।
उसके बाद क्या हुआ, फिर इनमें कुछ हद तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां भी बढ़ती हैं तो फिर हालात उनके आपस के सेटल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक तो आपको दूसरी स्टेट में, दूसरे एरिया में अपना प्रॉफिट नजर आ रहा होता है, दूसरा आपकी वहां पर इन्वेस्टमेंट लगी हुई होती है जिसको आपने प्रोटेक्ट करना होता है। तो इनमें भी ऐसा ही हुआ, जैसे ही म्यूचुअल इनके इकोनॉमिक इनके रिलेशंस बिल्ड हुए तो उसके बाद इनमें डिप्लोमेसी भी स्टार्ट हो गई और आपस में इनके डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस स्टार्ट हो गए। फॉरेनर्स दूसरी सेटलमेंट्स में जाके रहना शुरू हो गए। अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स हम लोगों को फिर आगे सिटी स्टेट्स में भी नजर आने लगे। हम लोगों ने जैसे पहले भी पढ़ा था कि इंडिविजुअल्स क्लैंस के फॉर्म में रहते थे और फिर उन्होंने सिटी स्टेट्स बना ली थी, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, सिटी स्टेट्स बनना शुरू हो गई। तो सिटी स्टेट्स बनना शुरू हो गई, उनमें आपस में फिर वही डिप्लोमेसी इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया, तो ऐसा ऐसा इंटरनेशनल सोसाइटी फिर इवॉल्व होती चली गई। उसके बाद हम लोग अगर दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में देखें तो मिडिल ईस्ट में क्या था, मिडिल ईस्ट में भी हम लोगों को इंटरेक्शन नजर आता था किंग्स के दरमियान में और किंग्स के जितने भी वेसल्स थे, मतलब किंग्स के जितने भी सबऑर्डिनेट्स थे उनके दरमियान, उनमें भी आपस में कुछ रूल्स एस्टेब्लिश हुए हुए थे, जैसे कि इंटर मैरिजेस के रूल्स, उसके अलावा ग्रेजिंग राइट्स के, एनिमल्स को कहाँ कहाँ ग्रेज करने की परमिशन दी जा सकती है, और उसके अलावा आपस में उनके ट्रेड के राइट्स थे, एक्सट्रेडिशन के ट्रेड के आपस में रूल्स एस्टेब्लिश हुए हुए थे, एक्सट्रेडिशन के रूल्स एस्टेब्लिश हुए हुए थे। इस तरह से डिप्लोमेट्स भी, डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशंस भी थे कि डिप्लोमेट्स एक्सचेंज होते थे, लेकिन डिप्लोमेट्स को वो इम्यूनिटी हासिल नहीं थी जो आजकल डिप्लोमेट्स को हासिल है। डिप्लोमेट्स को वहां पे किडनैप कर लिया जाता था, कभी ऐसा भी होता था कि डिप्लोमेट्स को कत्ल कर दिया जाए, तो वो इम्यूनिटी तो नहीं थी, लेकिन डिप्लोमेसी का इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हो गया था। उसके बाद जहाँ तक अगर हम लोग ब्रूटल सोसाइटीज की बात करें, जहाँ पे बिल्कुल ही ये हम लोग एंशियंट सोसाइटीज की बात कर रहे हैं, तो एंशियंट वर्ल्ड के अंदर अगर बहुत ज्यादा ब्रूटल सोसाइटीज थी तो उसमें उनमें इंटरनेशनल सोसाइटी के जो एलिमेंट्स थे वो हम लोगों को बहुत कम नजर आते हैं, बिल्कुल मार्जिनल नजर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस बेहतर होते चले गए तो फिर ये इंटरनेशनल सोसाइटी के जो एलिमेंट्स थे ये भी हम लोगों को ज्यादा रिफाइन होते हुए नजर आए। अब एंशियंट वर्ल्ड्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग 700 बीसी की बात कर रहे हैं। 700 बीसी में चार तरह की एंशियंट वर्ल्ड्स में हम लोग को इस तरह के सिस्टम्स नजर आते थे जिनमें इंटरनेशनल सोसाइटी के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे। ये चार क्या क्या थी, इसमें ग्रीस था, देन इंडिया था, चाइना था और रोम था। इन चारों में जितनी भी स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी उनमें आपस में डिस्प्यूट्स तो थे, लेकिन वो जो कल्चरल यूनिटी का एलिमेंट है वो सब में जरूर एग्जिस्ट करता था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हाँ, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्रीस के अंदर किस तरह से हम लोगों को इंटरनेशनल सोसाइटी के एलिमेंट्स नजर आते हैं। अब ग्रीस के अंदर छोटी छोटी सिटी स्टेट्स ही थी। अब सिटी स्टेट्स थी तो वो उनमें कॉमन लैंग्वेज थी, फिर उनमें कल्चर कॉमन था, रिलीजन की बेसिस पे कुछ कॉमनैलिटीज थी और इंस्टीट्यूशंस थे। उसके अलावा जैसे ओलंपिक गेम्स थी या फिर डेल्फिक ओरेकल टाइप के उनके जो श्राइन्स थे वो उनको यूनाइटेड रखते थे, लेकिन उनमें वॉर्स भी बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अगेन क्योंकि इस तरह से उनमें कॉमन इंस्टीट्यूशंस थे तो उनमें इंटरेक्शन भी था, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों को उनमें इंटरनेशनल सोसाइटी के एलिमेंट्स नजर आते थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हाँ, सारे के सारे मिलके रिलीजियस श्राइन्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते थे। अब रोम ग्रीस के जितने भी स्टेट्स थे उनके अंदर डिप्लोमेसी का एलिमेंट नजर आता था, वो लोग ट्रीटीज को ऑब्जर्व किया करते थे फुली, दे वांटेड टू कीप ट्रीटीज जब भी वो ट्रीटीज करते थे, और इसके अलावा इन्होंने रूल्स बनाए हुए थे कि वॉर में जब जाना है तो उसके लिए क्या रूल्स हो सकते हैं, और अगर आपका अगर किसी एनिमी का कोई डेड बॉडी है जो कि वॉर के दौरान आपके पास रह गया तो फिर उसको कैसे हैंडल करना है। तो देखिए, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स हम लोगों को नजर आते हैं जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी के एलिमेंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ से इंटरनेशनल सोसाइटी इवॉल्व होती हुई नजर आने लगी। फिर दूसरी तरह की दूसरी एग्जाम्पल हम लोग इंडिया की ले रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी इस तरह से कम्युनिटीज और सोसाइटीज एग्जिस्ट करती थी कि उनमें हमें इंटरनेशनल सोसाइटी के एलिमेंट्स नजर आते हैं। तो वो कैसे था, अब इंडिया के अंदर डिफरेंट नॉर्म्स एग्जिस्ट करते थे, नॉर्मेटिव ऑर्डर था, और इंडिया के अंदर धर्म का कॉन्सेप्ट था जो कि बेसिकली उनके रिलीजन से इवॉल्व हुआ हुआ था।
इंडिया के अंदर जस्ट वॉर का कॉन्सेप्ट था कि कौन सी वॉर जस्टिफाइड होती है, उसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ था। फिर कुछ ऐसे रिचुअल्स थे जो वो ऑब्जर्व किया करते थे, परफॉर्म किया करते थे बिफोर गोइंग इनटू अ वॉर, तो वो भी एक प्रॉपर नॉर्मेटिव्स ऑर्डर, नॉर्म्स, रिचुअल्स हम लोगों को इनकी सोसाइटी में नजर आते हैं। फिर इनका एक डॉक्ट्राइन था, 300 BC ओल्ड डॉक्ट्राइन है, कौटिल्या का डॉक्ट्राइन, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अब इस डॉक्ट्राइन में ये बात मेंशन थी कि सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस बेसिस पे ही नहीं आपको इस तरह से वॉर के अंदर जाके ह्यूमन कंडक्ट शो करनी चाहिए, बल्कि ये जब वॉर के अंदर जाके आप ह्यूमन कंडक्ट शो करते हो तो ये इससे पता लगता है कि आप के पास जो स्टेट क्राफ्ट का एलिमेंट है वो कितना प्रूडेंट या कितना वाइजली आप उसको लेके चल रहे हो। तो इसलिए आपको ह्यूमन कंडक्ट शो करनी चाहिए वॉर्स के अंदर। तो अगेन हम लोगों को नजर आता है कि ये इंटरनेशनल सोसाइटी का एलिमेंट हम लोगों को इस इंडियन सोसाइटी के अंदर भी नजर आता था। फिर चाइना की एग्जाम्पल लेते हैं, तो चाइना 500 ईयर्स तक, तब तक जब तक कि चाइना को चिन डायनेस्टी ने कंकर नहीं किया था, तो उससे पहले तक 500 साल तक हम लोग को चाइना के अंदर इंटरनेशनल सोसाइटी के एलिमेंट्स नजर आते हैं। अब वॉर्स तो चाइना के अंदर भी होती थी और ये वॉर्स फ्रीक्वेंटली होती रही 722 से लेके 481 BC तक, लेकिन इस सारे के सारे टाइम पीरियड में वॉर्स जरूर होती थी, लेकिन शिवलरी के जितने भी रूट्स थे उनको ऑब्जर्व किया जाता था। शिवलरी मतलब उनका जो एंशियंट नाइट्स का सिस्टम था, जो भी उनकी आर्मीज वगैरह का सिस्टम था, उसके जो भी रूल्स थे वो ऑब्जर्व किए जाते थे, ऑल द वॉर्स होती थी। अगेन इंटरनेशनल सोसाइटी का एक एलिमेंट नजर आते हैं हमें इसमें। फिर उसके बाद जब चिन डायनेस्टी ने कंकर कर लिया चाइना को, तो उसके बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया फॉरनर्स को कि हम लोग, जब तक आप हमारी सुपीरियॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक हम लोग आपसे कोई भी रिलेशन बिल्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जाके एक रिजिडनेस फिर चाइना के अंदर नजर आनी शुरू हो गई थी। अदर देन दैट हम लोगों को वॉर्स के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे भी इंटरनेशनल सोसाइटी के एलिमेंट्स नजर आते हैं। फिर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं रोम की, तो रोम के अंदर इक्वालिटी के बेसिस के ऊपर राइवल पावर्स के साथ डील किया जाता था, और ये ट्रीटीज और डिप्लोमेसी से रिलेटेड उसी तरह के प्रिंसिपल्स ये भी फॉलो करते थे जिस तरह से ग्रीस या इंडिया के अंदर फॉलो किए जाते थे। लेकिन जहां तक लीगल प्रोसीजर्स की बात है, तो इन्होंने चीजों को थोड़ा सा ज्यादा लीगल किया था एज कम्पेयर टू अदर जितनी भी हम लोगों ने इंटरनेशनल सोसाइटी के एग्जाम्पल्स दिए हैं। इनका एक्सटेंसिव सिस्टम ज्यादा लीगल था, डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए भी ये लीगल मींस के थ्रू ही डिस्प्यूट्स को भी सेटल किया करते थे। और ये भी रोम के लोग भी जो थे वो वॉर से पहले रिलीजियस रिचुअल्स को ऑब्जर्व किया करते थे। तो ये चारों जितनी भी हम लोगों ने एंशियंट स्टेट्स देखी हैं, एंशियंट जो भी वर्ल्ड्स की एग्जांपल्स देखी हैं, इनमें हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सिटी स्टेट्स के बाद, क्योंकि हम लोग इनको पढ़ रहे हैं, तो फिर इनमें भी हम लोगों को कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सोसाइटी के एलिमेंट्स नजर आते हैं। अच्छा, तो इन चार एग्जांपल्स को देखने के बाद अब हम देखेंगे कि उसके बाद के टाइम पीरियड में, जब बिफोर क्राइस्ट एरा खत्म हुआ, तो उसके बाद हम लोगों को यूरोप के अंदर दो ऑर्डर्स नजर आते हैं जो कि क्रिश्चियन और इस्लामिक ऑर्डर्स हैं। अब इनमें हम लोगों को इंटरनेशनल सोसाइटी के एलिमेंट्स किस तरह से नजर आते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो जब रोमन एम्पायर ब्रेक डाउन हुई, तो वो जब डिवाइड हुई तब भी वो एम्पायर्स में ही डिवाइड हुई थी। एक तरफ ईस्टर्न बाइजेंटाइन एम्पायर में डिवाइड हो गई थी, जो कि पहले ईस्टर्न बाइजेंटाइन एम्पायर 1000 ईयर्स तक तो तकरीबन इंडिपेंडेंट रही, उसके बाद 1453 AD में इसको मुस्लिम्स ने कंकर कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ था, जो दूसरी साइड थी, जो वेस्टर्न साइड थी, वहां पे पोप की सुप्रीमेसी थी, कैथोलिक चर्च, जो बाद में फिर हम लोगों ने 1648 में फिर वो इंस्टीट्यूशन खत्म हुआ, तो उसकी डोमिनेंस खत्म हुई, इंस्टीट्यूशन खत्म नहीं हुआ। तो कैथोलिक चर्च जो था उसकी डोमिनेंस थी, पोप के ऑर्डर्स माने जाते थे। बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता था कि पोप के ऑर्डर्स को वायलेट भी किया जाता था, बट अगेन उन सब में एक यूनिफाइंग फैक्टर चर्च था। चर्च के साथ सब लॉयल्टी जरूर शो किया करते थे।
उसके बाद चर्च ने भी एक इलाबोरेट सा लीगल सिस्टम बनाया हुआ था जिसके अंदर आर्बिट्रेशन के बारे में और बहुत सारे जो लीगल हेयरिंग्स या फिर लीगल हेयरिंग्स के बारे में और डिप्लोमेसी के बारे में बहुत सारे रूल्स थे। इसके अलावा चर्च ने ही जस्ट वॉर का कॉन्सेप्ट भी दिया था वेस्टर्न एरियाज जो कि रोमन एम्पायर के थे, ब्रेक डाउन हुए थे उनमें, ये सब नज़र आता है। जहाँ तक इस्लामिक ऑर्डर्स की बात नज़र आती है तो इस्लाम पहले तो ड्रास्टिकली एक्सपैंड हुआ था मिडल ईस्ट के अंदर भी, अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर। उसके बाद लेकिन देखा जाए तो इस्लाम के अंदर शिया और सुन्नी डिवाइड था। तो पहले तो इस्लाम के अंदर ये कॉन्सेप्ट था कि मुस्लिम उम्मा बनानी है, सारे के सारे जितने भी रीजन्स हैं उनके अंदर मुस्लिम उम्मा इस्टेब्लिश करनी है। और जितना भी इस्लामिक टाइम पीरियड यहाँ पर नज़र आता है तो मुस्लिम्स ने वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। एक को वो दारुल हर्ब कहते थे, दूसरे को वो दारुल इस्लाम कहते थे। दारुल इस्लाम मतलब वो एरिया जहाँ पे इस्लाम कबूल किया हुआ है लोगों ने और इस्लाम के मुताबिक चल रही हैं सारी चीज़ें, और दारुल हर्ब वो एरिया जहाँ पे लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ। और मुस्लिम्स की ये आइडियोलॉजी थी कि जब तक दारुल हर्ब के लोग भी दारुल इस्लाम नहीं बन जाते तब तक लड़ना है। लेकिन अगेन जब इंटरनल वीकनेसेस स्टार्ट हुई, इंटरनली मुस्लिम्स वीक हो गए, तो फिर ये वॉर्स जो कि फ्रीक्वेंट होती थी, लेकिन बीच में अगर ट्रूस का पीरियड आता था या फिर सीज फायर का पीरियड आता था तो वो 10-10 साल के लिए बीच में वॉर्स नहीं भी होती थी। लेकिन अगेन जब मुस्लिम्स के अंदर इंटरनल यूनिटी मुस्लिम्स की खत्म हुई तो फिर मुस्लिम्स को पीसफुली को एग्जिस्ट करना पड़ा, बाकियों के साथ पीसफुली एग्जिस्ट करके रहना पड़ा। अब जब पीसफुली एग्जिस्ट करके रहना पड़ा तो फिर मुसलमानों के और जो बाकी रिलीजन्स एग्जिस्ट करते थे इनके दरम्यान में कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स डेवलप हो गए। और फिर यहाँ पे अगेन जब कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट डेवलप हुए तो हम लोगों को इंटरनेशनल सोसाइटी के एलिमेंट्स नजर आने लग गए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम देखते हैं कि मॉडर्न इंटरनेशनल सोसाइटी कैसे इमर्ज हुई, इमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न इंटरनेशनल सोसाइटी। अब इंटरनेशनल सोसाइटी के एवोल्यूशन की बात करते हुए हम लोग बात करेंगे आगे फिर 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, क्योंकि 1453 तक हम लोग बात कर चुके हैं कि किस तरह से मुस्लिम एम्पायर बनी और उसका सारा हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से उसमें इंटरनेशनल सोसाइटी के एलिमेंट्स नज़र आते थे। अब भी जो कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सोसाइटी है, आज के दौर की इंटरनेशनल सोसाइटी, इसमें स्टेट को एक इम्पॉर्टेंट एक्टर माना जाता है। और ये स्टेट जो होती है ये सब नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर सुपीरियर मानी जाती है। अब ऐसा क्यों माना जाता है, एक तो प्रिंसिपल्स जो एस्टैब्लिश हुए हैं, हम लोग वही ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद से जो प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। एक तो क्या प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हुआ था कि सारी सारी स्टेट्स आर लीगली इक्वल, अगर ना होती तो हायरार्की एस्टैब्लिश हुई हुई होती, पावरफुल स्टेट्स ऊपर फिर उससे नीचे लेस पावरफुल, उससे नीचे बिल्कुल ही जो वीक स्टेट्स हैं वो होती। हालांकि ऐसा नहीं है, लॉ की नज़र में सब स्टेट्स बराबर हैं। दूसरा प्रिंसिपल जिसकी वजह से हम कहते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर सुप्रीम समझी जाती है स्टेट, वो ये है कि नॉन इंटरवेंशन का प्रिंसिपल। अगर नॉन इंटरवेंशन का प्रिंसिपल ना होता तो नॉन स्टेट एक्टर स्टेट के अफेयर्स में इंटरवीन करते, हालांकि ऐसा नहीं है। तो कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर स्टेट को सुप्रीम एक्टर समझा जाता है ओवर नॉन स्टेट एक्टर्स, और स्टेट को एक इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंट एक्टर समझा जाता है। अच्छा, अब ये जो दो प्रिंसिपल्स मैंने बताए, इक्वालिटी का और नॉन इंटरवेंशन का, इसकी बेस के ऊपर तीन प्रिंसिपल्स बन गए थे। और ये तीन प्रिंसिपल्स कौन से थे, सबसे पहला तो ये था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन स्टेट के दरमियान में शुरू हो गई, और ये किस बेस पे स्टार्ट हुई, डिप्लोमेसी के बेस पे, डिप्लोमेट्स एक्सचेंज होना शुरू हो गए। अब जब डिप्लोमेट्स एक्सचेंज होना शुरू हुए तो क्या हुआ, इन डिप्लोमेट्स को एज कम्पेयर टू पहले जो हम लोगों ने डिप्लोमेट्स के बारे में पढ़ा था, इन डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी हासिल थी। और क्योंकि ये अपने स्टेट के रूलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे तो फिर इन डिप्लोमेट्स को वही इम्यूनिटी हासिल होती थी जो कि इन स्टेट्स के रूलर्स को हासिल होती थी। पहला प्रिंसिपल ये बन गया, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन होने लगी और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बन गई। उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल ये बना कि इंटरनेशनल लॉ को स्टेट की कॉन्सेंट के बगैर उस स्टेट के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता था। जब तक स्टेट कॉन्सेंट नहीं देती थी इंटरनेशनल लॉ को कि इंटरनेशनल लॉ, मैं इंटरनेशनल लॉ की इन प्रोविजंस को मानती हूं, तो तब तक स्टेट के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं होता था। और तीसरी चीज थी कि कोई हायर अथॉरिटी ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकती थी, क्योंकि हायर अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट को ही तो खत्म करना चाह रहे थे सबके, सुपर सॉवरन कोई भी ना
ना हो तो हायर अथॉरिटी कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी स्टेट की कोई हायर अथॉरिटी हो। और इसके लिए वो क्या कर रहे थे कि अगर कोई ऐसी स्टेट थी जो कि हायर अथॉरिटी बनने की कोशिश कर रही थी तो बाकी स्टेट्स मिलके बैलेंस ऑफ पावर के जरिए उसकी पावर को बैलेंस कर देती थी। तो इस तरह से बैलेंस ऑफ पावर का जो एलिमेंट था बाय द 18th सेंचुरी, ये बैलेंस ऑफ पावर का एलिमेंट ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बन गया बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट भी बन गया कि इन ऑर्डर टू कंटेन अ पावर जो कि हेजमनी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है तो उसको कंटेन करने के लिए बाकी स्टेट्स मिलकर उसकी पावर को बैलेंस कर सकती हैं अपनी पावर को बढ़ा के। बैलेंस ऑफ पावर आगे डिटेल में है हमारे सिलेबस में, उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब क्या हुआ, ये जो इंग्रेडिएंट्स थे ये यूरोपियन इंटरनेशनल सोसाइटी के, ये तीनों प्रिंसिपल्स जो थे इनको इवॉल्व होने में और डेवलप होने में हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लग गए। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी वो डेवलपमेंट थी मॉडर्न स्टेट का बनना। अब मॉडर्न स्टेट कब बनी थी, ये जो हम लोग 1648 ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की बात करते हैं ना, इस टाइम पे। अब मॉडर्न स्टेट के बनने के बाद फिर प्रॉपरली क्या हुआ था कि डेवलपमेंट यही थी और उसके बाद प्रॉपरली हम कहते हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी डेवलप हो गई थी। लेकिन उससे पहले 5th सेंचुरी के एंड पे भी तीन की डेवलपमेंट्स हुई थी, उसकी वजह से भी इंटरनेशनल सोसाइटी की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ था। वो तीन की डेवलपमेंट्स कौन सी थी, उसमें सबसे पहली बात ये थी कि फ्रांस और हैब्सबर्ग जैसी यूरोपियन स्टेट्स जो थी जो कि ज्यादा पावरफुल थी, उन्होंने क्या शुरू कर दिया था, उन्होंने स्मॉलर स्टेट्स के ऊपर डोमिनेंस इंक्रीज करनी शुरू कर दी थी 15th सेंचुरी के एंड में। दूसरी बात ये हो गई थी कि प्रोटेस्टेंट्स की रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी, प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्म हो गए थे जो कि कैथलिक्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गए थे क्योंकि अल्टीमेटली फिर जाके 1648 में प्रोटेस्टेंट्स की आइडियोलॉजी जीत गई थी। तो प्रोटेस्टेंट्स की रिफॉर्मेशन कैथलिक्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गई। और तीसरी की डेवलपमेंट हुई थी 1492 के अंदर अमेरिका की डिस्कवरी। उसके बाद क्या हुआ, फिर टाइम गुजरता गया, ये जो डेवलपमेंट्स होती चली गई तो फाइनली जाके 1648 में पीस ऑफ वेस्टफेलिया हुआ। और पीस ऑफ वेस्टफेलिया होने के बाद जब नेशन स्टेट सिस्टम बना तो फिर इंटरनेशनल सोसाइटी की एवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू हुआ, इंटरनेशनल सोसाइटी की डेवलपमेंट में एक मेजर इवेंट हुआ था ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648। उसके बाद क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, जो कोई मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है उनको बता दूं कि पहले हम लोग ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया पहले की वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 1648 से लेकर 1776 तक इंटरनेशनल सोसाइटी फर्दर डेवलप होती रही, स्टेट्स की आपस में इंटरेक्शन होती रही, वॉर्स भी होती थी लेकिन वॉर्स की वो इंटेंसिटी नहीं थी जो इससे पहले होती थी यूरोप के अंदर। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमन एम्पायर जो कि यूरोप के अंदर ही एक्सपेंडेड थी, ऑटोमन एम्पायर खिलाफत उस्मानिया, वो डिसइंटीग्रेट होती चली गई और यूरोप के अंदर ब्रिटेन और रशिया का राइज शुरू हो गया। इसके साथ ही साथ बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ मिनी स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी लेकिन उनका उनमें आपस में इंटरेक्शन चलता रहता था। अगर कोई 10 या 10 से ज्यादा स्टेट्स में अगर कोई ऐसा इंटरेक्शन होता था जो कि इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता था तो उसकी वजह से इंटरनेशनल सोसाइटी फर्दर शेप होती कि अदरवाइज छोटी छोटी सोसाइटीज थी तो उनमें इंटरेक्शन चलता रहता था क्योंकि बहुत सारी मिनी स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए पास्ट के अंदर वो थे अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़े फर्दर इंटरनेशनल सोसाइटी की डेवलपमेंट के ऊपर। अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद तो ये हुआ था कि 20th सेंचुरी के अंदर यूरोप को एक ग्लोबल सुपर पावर नजर आने लगा, बल्कि पूरी दुनिया को एक ग्लोबल सुपर पावर नजर आने लगा यूएसए की फॉर्म में। जहां तक फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक तो ये बात सामने आई कि स्टेट्स ये बात मानती हैं कि सॉवरेंटी रूलर के पास नहीं, सॉवरेंटी नेशन के पास है। अगर रूलर के पास है तो फिर अगैन रूलर एक सुपर सॉवरन बन जाएगा और स्टेट खुद सॉवरन है तो इसलिए वो सॉवरेंटी नेशन के पास है। और दूसरी चीज जो डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि जितनी भी मेजर नेशंस थी यूरोप के अंदर उन्होंने जो ज्यादा सुपीरियर थे, जो ज्यादा पावरफुल थे, उन्होंने मिलके एक ग्रुप बना लिया था जिसको वो कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप कहते थे। अब मकसद उनका ये था कि यूरोप की वीक स्टेट्स के ऊपर हम लोग डोमिनेंस क्रिएट कर लें। इस चीज को ब्रिटेन ने अपोज किया, इसलिए नहीं अपोज किया कि ब्रिटेन को इनसे कोई खतरा था या कोई थ्रेट था, इसलिए अपोज किया क्योंकि ब्रिटेन ने ये बात कही कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन है जो कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में एस्टेब्लिश किया गया था और सारी स्टेट्स उसको मानती हैं, ये उसको वायलेट कर रहा है।
लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप ने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दी और पावर को अपने हाथों में कंटेन करने की कोशिश की। अब कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप के इस मूव की वजह से क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पावर, इंटरनेशनल लॉ और डिप्लोमेसी, ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं इंटरनेशनल सोसाइटी के, ये बुरी तरह से अफेक्ट हुए। लेकिन फिर क्या हुआ, अब ये 20th सेंचुरी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जैसे 1914 में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप इमीडिएटली खत्म हो गया और वर्ल्ड वॉर वन के एंड पे नई पावर्स इमर्ज हुई जैसे कि यूएसए और जापान, और साथ ही साथ जितनी भी यूरोप की कॉलोनीज थी उनमें नेशनल लिबरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गई। अगर पाकिस्तान हिस्ट्री हम लोग माइंड में लाएं तो देखें 1914 के बाद 1919 में जब वर्ल्ड वॉर वन एंड हुई थी तो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी मूवमेंट्स चल रही थी, खिलाफत मूवमेंट उस टाइम पे चल रही थी, फिर जितनी भी आजादी की मूवमेंट थी, लिबरेशन मूवमेंट थी, यहाँ पे भी तेज हो गई। ठीक है, तो डिमांड करना शुरू कर दिया सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने भी इंडिपेंडेंस। तो इसी तरह से बाकी भी वर्ल्ड के अंदर जितनी यूरोप की कॉलोनीज थी उन्होंने इंडिपेंडेंट डिमांड करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप खत्म हो गया तो फिर लीग ऑफ नेशंस बनी। 1919 में जब ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स हुई तो उसके बाद लीग ऑफ नेशंस इमर्ज हुई, और अब लीग ऑफ नेशंस को एक्सेप्ट सब स्टेट्स ने इस वजह से किया क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप की जहां तक बात थी तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप हेजमनी की बात करती थी। लीग ऑफ नेशंस बनी थी कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए, इसलिए कि सब की कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए लीग ऑफ नेशंस काम करेगी। और दूसरी बात यह कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप की जो मेंबरशिप थी वो सिर्फ कुछ स्टेट्स को मिली हुई थी, लीग ऑफ नेशंस की मेंबरशिप यूनिवर्सल थी, इसलिए लीग ऑफ नेशंस को एक्सेप्टेंस मिली और सबने लीग ऑफ नेशंस को एज एन ऑर्डरिंग बॉडी के ऑर्डर मेंटेन करेगी वर्ल्ड का, फ्यूचर वॉर्स को अवॉइड करवाने की कोशिश करेगी, तो सबने उसको एक्सेप्ट किया और लीग ऑफ नेशंस की मेंबरशिप हासिल की। अब लीग ऑफ नेशंस का यहाँ पे एक लकुना क्या था कि लीग ऑफ नेशंस की मेंबरशिप यूएसए को नहीं मिली थी, यूएसए उसका मेंबर नहीं बन पाया था। अब जो लोग हिस्ट्री ऑफ यूएसए पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में हम लोग रीजन डिस्कस कर लेंगे कि ऑल्दो वुड्रो विल्सन ने आइडिया दिया था जो कि उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे, लेकिन उसके बावजूद यूनाइटेड स्टेट्स ही लीग ऑफ नेशंस का पार्ट ना बन पाई। खैर जब ना बन पाई तो उसके बाद लीग ऑफ नेशंस इतना ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर सके, और इसकी रीजन एक रीजन ये भी थी कि बहुत सारी मेजर जो यूरोपियन पावर्स थी उनके अंदर रेवोल्यूशन आई थी, उनके अंदर लीडरशिप चेंज हुई थी, जर्मनी, इटली, जापान और रशिया के अंदर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज आ गई थी। जर्मनी से माइंड में रखें, जर्मनी के अंदर हिटलर का रूल आ गया था 1928 के बाद से, 1932 के बाद से सॉरी। उसके बाद उनमें एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी स्टार्ट हो गई थी, और जब एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज उनमें थी और उन्होंने एक्सपेंशनिज्म स्टार्ट कर भी लिया तो फिर बाकी स्टेट्स को एक दूसरे से थ्रेट महसूस होने लग गया। तो हम कह सकते हैं कि फिर यहां पे यूरोप के अंदर एक एक्सट्रीम इम्बैलेंस ऑफ पावर स्टार्ट हो गया। जब इम्बैलेंस ऑफ पावर स्टार्ट हो गया तो अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर टू हो गई, और वर्ल्ड वॉर टू हो जाने के बाद यूएन बना। अब लीग ऑफ नेशंस में यूएसए उसका पार्ट नहीं बन पाया था, लेकिन ये गलती यूएसए ने फिर नहीं दोहराई और यूनाइटेड नेशंस का पार्ट यूएसए बना। और उसके बाद यूएन भी हम देखें अगर तो अपना उस तरह से डिजायर्ड रोल इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर प्ले नहीं कर पाया, और उसकी एक रीजन है कि कोल्ड वॉर के अंदर जो दो राइवल्स थे यूएसएसआर और यूएसए, दोनों ही यूएन का पार्ट थे, दोनों के पास ही वीटो पावर थी डिसीजंस को वीटो कर देने की, तो इस वजह से यूएन का कोई भी डिसीजन इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता था। दोनों ये जो कोल्ड वॉर राइवल्स थे ये एक दूसरे के डिसीजंस को वीटो कर दिया करते थे। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग ये रफली जो बायपोलर वर्ल्ड है जो कोल्ड वॉर के अंदर बनी हुई थी तो इसमें अगर हम लोग ये देखें तो इसने बहुत हद तक वर्ल्ड के ऑर्डर को मेंटेन किया हुआ था। और उसके बाद डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हो गई, कोल्ड वॉर के दौरान ही बहुत सारी स्टेट्स डीकोलोनाइज हुई और एज सॉवरन स्टेट्स एग्जिस्ट करना शुरू हो गई, और नेशन स्टेट्स के प्रिंसिपल्स पे ऑब्जर्व सॉरी नेशन स्टेट के प्रिंसिपल पे ऑपरेट करना शुरू हो गई। और फाइनली जब कोल्ड वॉर एंड हुई, कोलैप्स हुआ यूएसएसआर का 1989 में, कुछ बुक्स में 1991 लिखा हुआ है, तो उसके बाद से क्या हुआ कि इंटरनेशनल सोसाइटी की ग्लोबलाइजेशन कंप्लीट हो गई, क्योंकि उस टाइम पे भी यूनाइटेड यूएसएसआर के साथ से इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स थी वो डिसइंटीग्रेट हुई थी और यूएन की मेंबर्स बन गई थी, तो यूं इंटरनेशनल सोसाइटी
इवॉल्व होते होते यहाँ पे जाके इंटरनेशनल सोसाइटी ग्लोबलाइज होगी। तो इस तरह से अगर हम लोग रिकॉल करें तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है कि शुरू में हंटर्स थे ह्यूमन बीइंग्स, फिर सेटलमेंट्स में रहना शुरू हुए तो इंटरेक्शन स्टार्ट की, सिटी स्टेट्स बना ली, सिटी स्टेट्स की फॉर्म में रहना शुरू हो गए। फिर 700 BCE की बात करें तो उस टाइम पे वर्ल्ड में जगह जगह पे पॉलिटिकल कम्युनिटीज नजर आती थी, उनमें कुछ इंटरनेशनल सोसाइटी के एलिमेंट्स नजर आते थे जो कि हर्ले बुल की डेफिनेशन में नजर आते हैं। तो लेकिन कंटेम्प्रेरी अगर सोसाइटीज में देखें तो वो हम लोग को एलिमेंट्स फुली नजर आते हैं कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सोसाइटी में। खैर फिर जब ये एलिमेंट्स हम लोगों को उन चार एंशियंट वर्ल्ड की सोसाइटीज में नजर आते हैं तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिर ईस्टर्न और क्रिश्चियन ऑर्डर्स आए, वर्ल्ड ऑर्डर्स आए यूरोप के अंदर, वहां पे भी हम लोगों को इंटरेक्शन नजर आती है, स्टेट्स के आपस के रिलेशंस नजर आते हैं। उसके बाद फर्दर हम लोग देखते हैं तो फिर 15th सेंचुरी से ऑनवर्ड्स और फिर 1648 के बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद मजीद हम लोगों को इंटरनेशनल सोसाइटी इवॉल्व होती हुई नजर आती है। उसके बाद कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप बन जाता है जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के एंड पे जाके खत्म हो जाता है। लीग ऑफ नेशंस बनाई जाती है जो कि अगेन इंटरनेशनल सोसाइटी को इंटरेक्ट करवाने में और इंटरनेशनल सोसाइटी में रिलेशनशिप बिल्ड करवाने में रोल प्ले करती है। और फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब यूएन बनती है और फिर कोल्ड वॉर चलती है तो फिर भी वर्ल्ड के अंदर ऑर्डर मेंटेन रहता है, और फिर जब कोल्ड वॉर खत्म हो जाती है तो इंटरनेशनल सोसाइटी की ग्लोबलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप ये एक स्टोरी की फॉर्म में बता के मैं आपको समझा पाई कि इंटरनेशनल सोसाइटी किस तरह से इवॉल्व होती चली गई। सिलेबस के पहले 3 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह थीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी के एवोल्यूशन है ये आप ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स से पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 35 ऑनवर्ड्स ये टॉपिक वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ लें तो ये आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो जाएगा वहाँ से पढ़ लेने के बाद। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाई कि इंटरनेशनल सोसाइटी की एवोल्यूशन किस तरह से हुई, और अगर आप को कुछ समझ में नहीं आया है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिल सके, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको उनका फायदा हो सके। एक चीज़ और मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के बाद US हिस्ट्री के बजाय इंग्लिश या इंग्लिश और पाकिस्तान अफेयर्स, या तो नहीं कहा इंग्लिश और पाकिस्तान अफेयर्स पे लेक्चर्स बनाने शुरू करें। तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स का सब यही कह रहे हैं कि वो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, वो सब ने ऑप्ट किया हुआ होता है, और इंटरनेशनल रिलेशंस कम लोगों ने ऑप्ट किया हुआ होता है। तो अगर आप लोगों में से भी जो लोग ये चाहते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर्स बनाने चाहिए तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे ताकि मैं देखूं कि जिस चीज का ज्यादा मुझसे कहा जा रहा है मैं वो चीज बनाऊं ताकि ज्यादा लोगों को उसका फायदा हो सके। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड।